हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ यू पीपल आर फाइन एंड यू पीपल आर स्टडिंग। डियर लर्नर्स, एज वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर बूस्टर जो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने और आपकी जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है रिगार्डिंग सम ऑफ द पॉइंट विच यू पीपल हैव आस्क मी इन द इन कमेंट सेक्शंस, दैट इज रिगार्डिंग यूज ऑफ इच। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कन्फ्यूज हैं यूज ऑफ इच के लिए, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कब हम इच का प्रयोग ना विदाउट हेल्पिंग विदाउट मेन वर्क करें और कब हम इच का प्रयोग ing के साथ करें मीन विद मेन वर्क करें। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इच के बारे में। हम देखेंगे इच के यूज, उसकी हिंदी मीनिंग और उसकी कौन सी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड एन्जॉय द वीडियो। सो डियर लर्नर्स, एज आई टोल्ड यू दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूज ऑफ इच। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इच है क्या और इसकी मीनिंग क्या है। देखिए, इच को हिंदी में क्या कहते हैं, है, ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है आता है तो उसमें हम इच का प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली देखो, इच होता क्या है, इच यू नो का यूज हम कब और कैसे करें, ये अगर हमें समझ में आ जाए तो व्हेन वी आर स्पीकिंग, नो व्हेन वी आर स्पीकिंग एट नो इज यूज फ्रिक्वेंटली। जब हम बोलते हैं, जब हम बातें करते हैं, जो ये वर्ड इज है ना, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है हमारी कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहली बात, इज का मतलब हिंदी में क्या होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है, वेदर इट इज़ ह्यूमन बींग, वेदर इट इज़ नॉन लिविंग, लिविंग, वॉट एवर, ठीक है। चाहे आप लिविंग की बात करें, सिंगल, अब आप अगर आप एक सिंगुलर, एक सिंगल, अगर एक किसी भी पर्सन या एक किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं तो उसके विषय में बताने के लिए आप इज का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इज का मतलब है, होता है, और इसका प्रयोग हम कब करते हैं, प्रेजेंट टाइम में करते हैं। कीप दिस इन माइंड, इज का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं और किस लिए करते हैं, ये दिखाने के लिए, कोई एक व्यक्ति के बारे में कुछ बताने के लिए करते हैं और हम किसी भी थिंक के बारे में कुछ बताने के लिए कोशिश करते हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आई आपको कि इच का मतलब हिंदी में है, होता है, और इसका यूज हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं फॉर शोइंग अ सिंगल पर्सन एंड सिंगल थिंग। नाउ लेट्स गो अहेड। नाउ अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इच का मतलब होता है, अब है तो भाई कई तरह के सेंटेंसेस में आ सकते हैं, तो किस तरह के सेंटेंसेस में हम है के लिए इच लगाएं, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्या लिखा, वह रोहित है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम रोहित है, उसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यह स्कूल है, आप बता रहे हैं कि ये स्कूल है। अभी बस इस बात को समझने की कोशिश करिए कि है किस तरह की सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम कहाँ है के लिए इच का प्रयोग करें, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा एंड आफ्टर दैट यू विल नॉट बी हैविंग एनी डाउट, ठीक है। देखिए, यह बुक है, मतलब दिस इज ए बुक। अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए बुक, राइट। अगर पहले वाले सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, वह रोहित है, दिस इज रोहित, ठीक है। यह स्कूल है, दिस इज स्कूल। यह बुक है, दिस इज बुक। दूध वाइट, दूध वाइट का मतलब सफ़ेद, दूध सफ़ेद होता है या दूध सफ़ेद है। अब इसको इंग्लिश में बोलना हो तो क्या होगा, मिल्क इज वाइट, ठीक है। अभी यह एक बुक है, दिस इज अ बुक। अमित घर पर है, अमित इज एट होम। आज छुट्टी है, टुडे इज ऑफ या टुडे इज लीव, आज छुट्टी है, आज ऑफिस बंद है, टुडे ऑफिस इज ऑफ, ठीक है, या क्लोज्ड। यह पानी है, दिस इज वाटर। अब अपने इन सेंटेंसेस में क्या देखा, आपने ये देखा कि चाहे वह रोहित है, यह स्कूल है, यह बुक है, इन सारे सेंटेंसेस में किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। जैसे पहले सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो रोहित है, दूसरे में बताया जा रहा है थिंक के बारे में, दूसरे में बताया जा रहा है थिंक के बारे में कि स्कूल है, तीसरे में बता रहा है बुक के बारे में, बुक क्या है, एक सामान है, एक थिंग है। दूसरा क्या है, दूध वाइट है, अभी ये मिल्क की बात कर रहा है कि मिल्क सफ़ेद है, ये मिल्क की क्वालिटी बता रहा है।
तो इन सारे सेंटेंसों से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये हमें समझ में आ रहा है कि इफ वी हैव टू टेल समथिंग समथिंग अबाउट समवन, अगर हमें किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक वस्तु के बारे में कुछ भी बताना है तो हम प्रेजेंट टाइम में तो हम यूज करेंगे एज। जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए मैं आपके लिए यू करूँगा, लेकिन मैं अगर नाम यहाँ पे डाल दूँ, जैसे अमित एक स्टूडेंट है तो अमित इज ए स्टूडेंट, ठीक है। रोहित एक प्लेयर है, रोहित इज ए प्लेयर। अब इन दोनों सेंटेंस में मैंने इज का यूज किया, राइट। अब एक चीज़ और देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में या ये सारे जो सेंटेंस आप इसको भी हम कन्वर्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल के साथ, कि इन सब में हम मेन वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, केवल हम इज का यूज कर रहे हैं और इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब सबसे पहली पॉइंट ये क्लियर कि इज का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के, सिंगल व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, कुछ बताने के लिए हम यूज करते हैं इन प्रेजेंट टाइम। नंबर वन क्लियर, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आगे देखते हैं। अब इज का एक दूसरा भी अर्थ होता है, क्या होता है वो? जब हम इज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये हो जाता है, और जब इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म आती है, तो इज का मतलब केवल है नहीं रहता, इज का मतलब हो जाता है रहा है या रही है। और ये कंडीशन किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, इस स्ट्रक्चर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। क्लियर। जब इच के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो इसका मतलब ये सेंटेंस किस टेंस का होगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया कि अगर किसी भी टेंस के लास्ट में है आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में है आया है, तो वो प्रेजेंट से बिलोंग करेगा, और रहा आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करेगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, और इस और प्रीवियस वाले एग्जाम्पल के बीच हम डिफरेंटिएट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है, रोहित खेल रहा है, राइट। रोहित खेल रहा है मतलब रोहित इज प्लेइंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे पूजा स्कूल जा रही है, टीचर पढ़ रहा है, वह सो रही है, इन सारे सेंटेंसेस में कोई एक्शन हो रहा है, राइट। इन सारे सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, जबकि प्रीवियस स्लाइड में कोई एक्शन नहीं हो रहा था। प्रीवियस स्लाइड में आप बता रहे थे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ, तो आपको एक बात क्लियर हुई कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बता रहे हैं या किसी थिंग के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो आप इच को डायरेक्टली यूज करेंगे विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट मेन वर्ब, राइट। और जब किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले एक्शन को बता रहे हैं आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तब इच के साथ आप यूज करेंगे आईएनजी। जैसे रोहित खेल रहा है, रोहित इज प्लेइंग। पूजा स्कूल जा रही, पूजा इज गोइंग टू स्कूल। टीचर पढ़ा रहा है, टीचर इज टीचिंग। वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आज स्कूल खुल रहा है, टू स्कूल इज ओपनिंग टुडे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं टुडे स्कूल इज ओपनिंग। आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे, राइट। अगला एग्जाम्पल, पूजा क्या कर रही है। अब इसके इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज पूजा डूइंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप माई डियर कि इन दोनों पॉइंटों से आपको ये बातें समझ में आ गई, इन दोनों स्लाइड से ये बातें आपको समझ में आ गई कि भाई इज का है के लिए हम कब इज यूज करें, और है के रहा है के लिए कब हम इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करें। रिपीट मैं फिर से कर रहा हूँ, इज का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति और सिंगल वस्तु के बारे में कुछ बताने के लिए करते हैं प्रेजेंट टाइम में, और इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म जब आप यूज करेंगे तो आप ये दिखाएंगे कि कोई व्यक्ति कोई एक्शन कर रहा है, और वो सेंटेंस किस टेंस का होगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इज से सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, क्या लिखा हुआ, यह एक किताब है। अब इसको आप कैसे फॉर्म करेंगे, दिस इज ए बुक। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं आया है। यहाँ पे देखिए दिस इज अ बुक, क्यों यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे जो इज है ना, ये खुद ही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो इज है, इट्स नॉट वर्किंग एज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे ये इज जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये बता रहा है नाउ बुक के बारे में कि ये दिस इज अ बुक, यह एक बुक है, ठीक है। अगला एग्जांपल, यह एक स्कूल है, दिस इज अ स्कूल। आप स्कूल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप स्कूल को बता रहे हैं,
यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, आप दोनों सेंटेंसों में देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि कब हम इच के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करें और कब हम इच को विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज करें या विदाउट वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करें, तो इससे आपकी डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, आई एम श्योर। अगला एग्जाम्पल, वहाँ पर एक कार है, देयर इज अ कार, देयर इज अ कार। ठीक है, इस सेंटेंस में भी कोई एक्शन नहीं है, ये बताया जा रहा है कि किसी प्लेस पे एक कार है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए कुछ और एग्जांपल, वहाँ पर एक कार है, देयर इज अ कार। रोहित अमेरिका में है। अब रोहित कहाँ है? अमेरिका में है। क्या आप ये बता रहे हैं कि रोहित कोई काम कर रहा है? नहीं, आप बता रहे हैं कि रोहित की लोकेशन क्या है, मतलब यू आर टेलिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ द रोहित, राइट? सो रोहित इज इन अमेरिका, क्लियर? यहाँ पे हमने इज का यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रोहित सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्क कर रहा है द मेन वर्ब, इन प्रीपोजिशन, अमेरिका एक कंट्री का नाम है। वह यही है, ही इज हियर ओनली, वह कहीं इज बता रहा है, हियर मतलब यहाँ, ओनली वह यही है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि इज का प्रयोग हम कब करते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ और एग्जांपल समझते हैं। वह अमित है, दैट इज अमित। अब आप अमित को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे आप कभी कभी कोई कोई आपसे जब डिस्टेंस पे खड़ा होता है तो हम दैट का यूज करते हैं, और वो सिंगुलर है तो इच आएगा, और वो सिंगल है उसका नाम या जो भी सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो उसको हम लिखेंगे या बोलेंगे। अब अगर आपके दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन है, भाई इच का यूज सिंगुलर के साथ करें कि प्लूरल के साथ, माई डियर इज यूज ओनली विद सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन, ठीक है। इच का प्रयोग हम केवल सिंगुलर के साथ करते हैं इन बोथ, वेदर आप इस तरह के सेंटेंसेस में यूज करें या फिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करेंगे तो भी आप ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आता है, राइट? वह घर पर है, ही इज एट होम, ठीक है। वह एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप उस व्यक्ति की प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या है, एक डॉक्टर है, तो ही इज अ डॉक्टर या फिर सी इज अ डॉक्टर, ठीक है। ये दोनों आप ही इज अ डॉक्टर भी बोल सकते हैं, सी इज अ डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर का इज अ सी का, ही और सी दोनों हो सकता है इसके लिए, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों हो सकता है या डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखिए, यह एक मंदिर है, दिस इज अ टेम्पल। बात समझ में आ रही है? आपने क्या नोटिस किया? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कब इच एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं इन अ सेंटेंस विदाउट, राइट, अनदर मेन वर्ब। अब यहाँ पे दिस इज अ टेम्पल, ठीक है। यहाँ देखिए, यह न्यूज़पेपर है, दिस इज न्यूज़पेपर, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल से देखते हैं। यह एक ब्लैक ड्रेस है, दिस इज अ ब्लैक ड्रेस। दूध सफ़ेद है, और या देखो दूध सफ़ेद है या दूध सफ़ेद होता है, इन दोनों का इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, मिल्क इज ब्लैक या मिल्क इज ऑफ वाइट? सॉरी, यहाँ पे देखो ब्लैक लिख दिया गया बाई मिस्टेक, मिल्क इज वाइट या मिल्क इज ऑफ वाइट कलर, राइट, मिल्क इज ऑफ वाइट कलर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आज इंग्लिश का पेपर है, टुडे इज इंग्लिश पेपर। आज दीपावली है, टुडे इज दिवाली, राइट। रात काली है, नाइट इज ब्लैक। रात काली है या रात काली होती है, दोनों सेंटेंसेस सेम है, नाइट इज ब्लैक, ठीक है। वह गोरा है, ही इज फेयर। वह गोरा बोलते हैं ना, वह गोरा है और श्यामला है, तो ही इज फेयर। या आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, हिज कॉम्प्लेक्सन, ही इज हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्सन। कॉम्प्लेक्सन का मतलब लुक, अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, ही इज हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्सन। वह लंबा है, ही इज टॉल, क्लियर। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इच के दूसरे यूज के बारे में देखते हैं, इच प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट, मतलब आईएनजी फॉर्म जब होगा तो इच कैसे काम करेगा। देखिए, जब इच के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो इसका मतलब होता है रहा है, और ये किस टेंस को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल।
जैसे देखिए रोहित खेल रहा है, अब देखिए प्रीवियस स्लाइड्स में क्या था, प्रीवियस स्लाइड्स में कोई एक्शन नहीं हो रहा था, वी वर टेलिंग अबाउट, आई वॉज टेलिंग अबाउट, हम डिस्कस कर रहे थे, क्या हम डिस्कस कर रहे थे, हर सेंटेंस किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में कुछ बता रहा था, किसी सिंगुलर वस्तु के बारे में। यहाँ पे इस तरह का जब स्ट्रक्चर, जब इच के साथ आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, तब क्या हो जाता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जो कोई एक्शन करता है, और व्हाट ये इंडिकेट क्या करता है, ये सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। जैसे रोहित खेल रहा है, रोहित इज प्लेइंग, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगला देखिए, अमित सो रहा है, अमित इज स्लीपिंग, अभी देखो खेलने और सोने का काम चल रहा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट है। वह हवा चल रही है, एयर इज ब्लोइंग, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, खुशी स्कूल के प्रोग्राम में डांस कर रही है, खुशी इज डांसिंग इन स्कूल प्रोग्राम। क्या मोहित एग्जाम दे रहा है, इज मोहित गिविंग एग्जाम। क्या दिल्ली में बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग इन दिल्ली। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, सेंटेंसेस आर सिक्स टाइप इन टेंस, मैंने आपको बताया, इफ यू हैव नॉट सीन यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट ऑफ माय स्पोकन वीडियोस, उसमें आपको मिल जाएंगी। रोहित कहाँ पर है, वेयर इज रोहित लिविंग, अब यहाँ पे छूट गया है, रोहित कहाँ पर है, यहाँ पे सेंटेंस होगा रोहित कहाँ पर रह रहा है, तो रोहित इज रोहित, वेयर इज रोहित लिविंग, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट क्या, रोहित कहाँ पर रह रहा है, हाँ वेयर इज रोहित लिविंग। पूजा खाना बना रही है, पूजा इज कुकिंग फूड। अब आपने क्या देखा, इन सारे सेंटेंसेज में एक्शन गोइंग ऑन है और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर आ रहा है, कि इच का हम, मैं आपको इच के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने जितने भी सब्जेक्ट रखे हैं वो सारे सिंगुलर है। पुनीत मुंबई में रह रहा है, पुनीत इज लिविंग इन मुंबई। बस कानपुर जा रही है, वेयर इज बस गोइंग, बस इज गोइंग टू कानपुर। स्कूल कब बंद हो रहे हैं, व्हेन इज स्कूल गोइंग टू क्लोज। क्या दिल्ली में बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग इन दिल्ली। तो आप क्या देख रहे हैं, इन सारे सेंटेंसेस में हम कॉन्टिन्यूटी दिखा रहे हैं और ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इंडिकेट कर रहे हैं, और पहली स्लाइड इज, इज विदाउट मेन वर्ब और इज विथ मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ जब यूज किया जा रहा था, तो सेंटेंसेस में क्या डिफरेंट आपने देखा, इच विदाउट मेन वर्ब जब यूज किया जाता है तो वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है, इच जब किस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आता है, मतलब आईएनजी फॉर्म के साथ आता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है और ये दिखाता है कि कोई भी एक्शन किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रोहित कहाँ पर खेल रहा है, वेयर इज रोहित प्लेइंग। पूजा हमारे लिए खाना बना रही है, पूजा इज कुकिंग फूड फॉर अस, हमारे लिए तो अस, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको समझ में आया कि कैसे हम यूज करते हैं इसका, किस तरह के सेंटेंसेस में, एंड कब हम यूज करते हैं इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एंड सो आई होप आप इस टिप्स को, इस टेक्निक्स को यूज करें अपनी कम्युनिकेशन में। अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो यू डिफरेंटली सॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल, देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू बाई राइटिंग यू डायरेक्टली और मेकिंग द वीडियो ऑन द टॉपिक विच यू वॉन्ट टू study, right? So thank you so much for watching, keep studying, good luck and goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट notification of my every